यहाँ दक्षिण भारत में एक संत हुए, कनकदास उनका नाम था। भोले बाले थे, बकरी चराने वाले, मगर भक्त थे वो। तो उनके गुरु ने उनको एक केला दी एकादशी के बाद, द्वादशी में अपना उपवास तोड़ने के लिए उनको केला दी गई और ये शर्त लगाया, ये केला तुम कब खाओगे, जब इसको खाते होगे तुम तो कोई नहीं देखना चाहिए तुम्हें। तो सिर्फ उनके लिए नहीं और सारे शिष्यों को उन्होंने एक एक केला दी। और दूसरे दिन सब आए और गुरुदेव को बोले कि किसी ने कहा मैं तो अंधेरे में रात में 12 बजे जाके कंबल ओढ़ के अंदर से खा लिया। एक और ने कहा मैं तो क्या किया, मैं केला लेके नदी में जब डुबकी लगाया अंदर नदी के अंदर मुंह में केला लगा, तो किसी ने नहीं देखा था। किसी और ने कहा कि मैं खुद नहीं देखा क्यों, मैं आंख में पट्टी बांध लिया। आपने कहा कोई नहीं देखे तब खाओ, तो आंख में पट्टी बांध करके मैंने केला खा लिया। तो सब ने अपनी अपनी बात कही, आपने ये सोचा कि देखिए किसी ने भी नहीं देखा, हम चैलेंज करते हैं हम तो उन्होंने सब किया। तो ये एक आखिरी में एक कनकदास आए हाथ में केला पकड़ के, तो गुरु ने पूछा भाई तुमने क्यों नहीं खाया, तुम्हारा क्या हाल। तो उन्होंने कहा भगवान मैं कैसे खाऊं, जहाँ भी देखता हूँ आपकी मौजूदगी मुझे चारों ओर नजर आ रही, आप देख ही रहे थे हमको 24 घंटे, तो जब भी मैं हाथ में केला उठाता हूँ आपकी मौजूदगी महसूस करता हूँ, मैं कैसे खा पाया, आपके लिए वापस लेके आए, मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा इसको। तो ये है सान्निध्य, मौजूदगी को महसूस कर। मौजूदगी जब महसूस करते हो शिकायतें नहीं रहता। सामीप्य में भी शिकायत हो सकता है, माँ बेटे पर शिकायत कर सकते हैं, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनता। बाप भी कह सकता है मैं जो बोलता हूँ सो करो, तू नहीं करता, घमंड हो गया। मगर जब सामीप्य से एक कदम आंखें भरकर सान्निध्य का अनुभव होता है तो शिकायतें खत्म हो जाती, तृप्ति झलकती है। जो मैं हूँ सो तू है, ये भाव उठता है।